बंगाल विधानसभा चोणां दे नतीजे अज ऐलाने जाणगे। वोटां दी गिणती लगातार जारी है। अज साफ हो जाएगा कि आखिर बंगाल च ममता बैनर्जी की वापसी होगी जां फिर कमल खिड़ेगा। शुरुआती रुझानां दी गल कीती जावे तां तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी अते भाजपा विचाले जबरदस्त दी टक्कर चल रही है। तृणमूल कांग्रेस 137 ते भाजपा 116 सीटां नाल अगे चल रही है, जिस नाल भाजपा नूं वड्डा झटका लगदा नजर आ रिहा है। पछमी बंगाल च मुख मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ते भाजपा विचाले चल रहा है। हालांकि कांग्रेस दे खब्बे पक्षी पार्टियां ने भी अड्डी चोटी दा जोर लाया होया है। उथे ही नतीजे दे ऐलान दौरान कोविड-19 नियमों दा सख्ती नाल पालना कीती जा रही है। दस दी कि पछमी बंगाल च कुल 294 विधानसभा सीटा चो 292 सीटा ते 8 पड़ावां चो वोटां पईआं सी, जदकि शमशेरगंज ते जंगीपुर विधानसभा हल्के दे 2 उम्मीदवारां दी मौत होण कारण उत्थे दीआं चोणां मुलतवी कर दित्तीआं गईआं सी। पछमी बंगाल च 294 सीटा लई 2116 उम्मीदवारां ने चोण लड़ी सी, जिन्हां दी किस्मत दा फैसला अज होवेगा। किसी भी पार्टी नूं बहुमत लई कुल 294 सीटा चो 148 सीटा जितना जरूरी है। वोटिंग केंद्रां ते घट्टो घट 292 सुपरवाइजर ते केंद्रीय सुरक्षा बलां दीआं 256 कंपनियां नूं तैनात कीता गया है। दस दी कि मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी की लीडरशिप च पिछले 10 सालों तो पछमी बंगाल च सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस तीजी बार सत्ता विच वापस आएगी जां फिर केंद्र विच सत्ता ते बैठी भारतीय जनता पार्टी सूबे च राजपाट संभालेगी। देश नूं इस फैसले की बेसब्री नाल उड़ीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।